हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी लुकिंग एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हम हिंदी में समानार्थक शब्द भी बोलते हैं, या फिर दे आर दी वर्ड्स दैट आर सिमिलर और हैव अ रिलेटेड मीनिंग टू अनदर वर्ड। टुडे विल बी स्टडिंग 25 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स, एंड फॉर ईच वर्ड 3 सिनोनिम्स आर गिवन। तो इससे हमारी वर्ड पावर और वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है डिजीज़। डिजीज़ को हम एलमेंट, इलनेस या फिर मैलेडी भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्कस। डिस्कस को हम बोल सकते हैं आर्ग्यू, डिबेट या डिस्प्यूट। नाउ नेक्स्ट वर्ड वायलेशन। जैसे हम कोई रूल की वायलेशन करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं ब्रीच, इन्फ्रिंजमेंट या फिर इन्फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्लिकेटेड। जैसे हम बोलते हैं ये कंडीशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स या इंट्रिकेट या नॉटी। यहाँ पर के साइलेंट रहेगा, नॉटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है कि जब हम अपने आप से आत्मसंतुष्ट रहते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग या फिर प्रिगिश। नाउ सम मोर वर्ड्स। पिग्मी। पिग्मी मतलब बहुत छोटा आदमी, बौना, उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ, मिडजेट या मैनिकिन। नेक्स्ट वर्ड एक्सपाउंड। जब हम एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज़ तो उसको हम बोलते हैं एक्सपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सप्लेन या इंटरप्रेट या एलुसिडेट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को हम बोल सकते हैं फ्रीडम, ऑटोनॉमी या ऑटार्की। नाउ नेक्स्ट वर्ड हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब होता है हैवी, बहुत भारी, इसको हम बोलते हैं पॉन्ड्रस या कम्ब्रस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अप्रेज। अप्रेज करना मीन्स नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करना या फिर एडवर्टाइज करना। नाउ सम मोर वर्ड्स आर वॉयज। वॉयज मीन्स टूर, जर्नी या एक्सकर्शन भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड लर्निंग। लर्निंग को हम बोल सकते हैं नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या लोर, LORE। नाउ नेक्स्ट इज कॉमिक। कॉमिक मीन्स फार्सिकल। कॉमिक की जगह हम बोल सकते हैं फार्सिकल, रिडिक्यूलस या ड्रोल। नाउ नेक्स्ट वर्ड ब्लेंड। ब्लेंड जैसे हम ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं, वैसी मिक्स, मिंगल या कोलेस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट को हम बोल सकते हैं या तो आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल या सेलियंट। चलिए अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टबर्न। स्टबर्न को हम बोल सकते हैं ऑब्स्टिनेट, म्यूलिश या डॉजेट। अब नेक्स्ट वर्ड इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज योर ड्यूटीज, तो इसको एग्जीक्यूट या परफॉर्म या फुलफिल। नेक्स्ट वर्ड इज रैंगल। रैंगल मीन्स जब आपस में हाथापाई हो जाती है, क्वारल हो जाता है, तो उसको हम रैंगल बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑल्टरकेशन, टिफ या फिर क्वारल। नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मीन्स जब कोई चीज़ एप्लीकेबल, उससे रेलिवेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिनेंट। तो इसको हम बोलते हैं रेलिवेंट, एप्लीकेबल या फिर जर्मेन। नेक्स्ट वर्ड इज चॉइस। चॉइस की जगह हम बोल सकते हैं प्रेफरेंस, सिलेक्शन या फिर ऑप्शन। अब कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि हैबिचुअल। जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो इसको हम बोल सकते हैं कस्टमरी, यूजुअल या फिर अकस्टम्ड। नाउ नेक्स्ट वर्ड सेज। सेज का मतलब होता है वाइज या फिर जुडिशियस भी बोल सकते हैं या फिर प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स जैसे बुद्धिमान, जो वाइज होता है उसको हम प्रूडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बॉयश। बॉयश की जगह हम बोल सकते हैं जुवेनाइल, यूथफुल या प्योराइल। नेक्स्ट वर्ड जेस्टर। जेस्टर मीन्स क्लाउन, बफून या हार्लेक्विन। तो कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस मीन्स सोब्राइटी, एब्स्टिनेंस या टेम्परेंस। सो दैट वॉज इट फ्रेंड्स, एंड आई होप कि कुछ और नए वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड हुए होंगे। So if you liked the video, do hit the like, share and subscribe button, and bye bye until we meet in the next video, and thanks for watching.